लव जबलपुर संस्कार धानी दिख रहा है आपको, भंवरताल गार्डन बस स्टैंड के बहुत करीब है, बस स्टैंड से पैदल भी बच्चों को ला सकते हैं। और यहाँ इतने खूबसूरत खूबसूरत दृश्य हैं, आपको देखिए। मध्य प्रदेश के तीन खूबसूरत शहर हैं इंदौर, भोपाल और जबलपुर। इंदौर व्यावसायिक नगरी है, भोपाल राजनैतिक नगरी और राजधानी है, जबलपुर को कला और संस्कृति की नगरी संस्कार धानी के नाम से भी जाना जाता है। नमस्कार, यह है जबलपुर रेलवे स्टेशन, बहुत पुराना रेलवे स्टेशन। जब आप यहाँ आएंगे तो भेड़ाघाट की सरजमीन आपका स्वागत करती है। और यहाँ देखिए अंग्रेजों के जमाने का इंजन खड़ा हुआ है रेलवे। हम है रेलवे स्टेशन जबलपुर, पीछे दिख रहा है रेलवे स्टेशन। और रेलवे स्टेशन से जब हम बाहर आते हैं तो सबसे पहले एम्पायर टाकीज, प्रेमनाथ जी का एम्पायर टाकीज, राज कपूर साहब के साले जो है उनका एम्पायर टाकीज, देखिए खंडर हो गया है। प्रेमनाथ जी के और दो भाई राजेंद्र नाथ और नरेंद्र नाथ भी फिल्मी दुनिया में नाम कमा चुके हैं। जबलपुर के कलाकार एम्पायर टाकीज को म्यूजियम बनाना चाहते हैं। इस बात की लगातार मांग जारी है। फिलहाल ये थिएटर सेना के अंडर में है। हाई कोर्ट जबलपुर जी, 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश की स्थापना के साथ उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट की स्थापना हुई। बाद में ग्वालियर इंदौर में उच्च न्यायालय ब्रांच लगी। पहले ये न्यायालय नागपुर और हैदराबाद निजाम की देखरेख में भी रह चुका है। अब हम शहर की शान घंटाघर की ओर बढ़ रहे हैं। ये 1919 में बना था। विश्व युद्ध में ग्रेट ब्रिटेन की विजय का प्रतीक है। शहर के बीचों बीच बना कमानिया गेट आजादी के पहले की निशानी है। जब सुभाष चंद्र बोस 1939 में नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे तब बनाया गया था ये कमानिया गेट। इसके चारों तरफ कपड़ा मार्केट, ज्वेलरी मार्केट, इत्र सेंट और हर प्रकार का ऑयल मिलता है। इससे लगा हुआ फवारा चौक काफी फेमस चौक है। जी नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। हम हैं जबलपुर यानी कि जबलपुर राजधानी संस्कार धानी। तो यहाँ संस्कार धानी का सबसे बड़ा बेहतरीन दार्शनिक स्थल है भेड़ाघाट। तो पीछे हम दिखाते हैं आपको भेड़ाघाट, सफेद संगमरमर का शहर जी। देखिए ये धुआंधार, ये धुआंधार है। बरसात में पानी इतनी तेजी से उड़ता है जैसे फव्वारा चल रहा है और लोग फुहारों का आनंद लेते हैं। लेकिन अभी गर्मी का सीजन है, पानी कम है। ये इलाका जबलपुर से 16 किलोमीटर की दूरी पर है। और अगर धुआंधार में आप परिवार को लेकर आ गए तो फिर यहाँ जाने का मन नहीं करता है। बच्चे इतना मजा लेते हैं, इतनी हलचल होती है, ठंडा ठंडा पानी बदन को छूता है। और हाँ देखिए रोपवे दिख रहा है, तो परिवार के साथ आप रोपवे का आनंद भी ले सकते हैं। इस इलाके से निकलने वाला सफेद पत्थर यानी संगमरमर का पत्थर लोगों की आय का साधन है। लोग मूर्तियां बनाकर बेचते हैं, नक्काशियां बनाकर बेचते हैं और लोग निशानी के बतौर पे यहां से खरीद कर ले जाते हैं। हेलो, हाय, नमस्कार, मैं हूं एहसान कुरैशी ओरिजिनल और आप मुझे देख रहे हैं भेड़ाघाट जबलपुर, जबलपुर संस्कार धानी। जबलपुर में हम लोग नौकायान पे निकले हैं। लोग चांदनी रात में निकलते हैं मगर हमारी नाव मामा भांजे साथ बैठे हैं, दोनों डरते हैं लेकिन हम उनको बताएंगे कि मामा भांजे डरते हैं। ऐसे कई मामा भांजे यहाँ नैया तैर के चले गए लेकिन ये मामा भांजे कहाँ से आए हैं, इनको डर लग रहा है कि मामा भांजे एक साथ नहीं बैठना चाहिए लेकिन आज बैठे हुए हैं। तो अभी आपको भैया ये बता रहे थे, ये है बंदर कुदनी। थोड़ी आगे हनुमान जी के दौर में जब राम जी का दौर था तो बंदर कूदा करते थे। अब ये कह रहे हैं आजकल कूदेंगे बंदर तो जाएंगे कितने फीट के अंदर, 600 फीट के अंदर। अब बंदर नहीं कूद सकते।
यही वो खूबसूरत जगह है जो फिल्मी हस्तियों को अपनी ओर खींचती है। अब तक जिन फिल्मों की यहाँ शूटिंग हो चुकी है उनमें जिस देश में गंगा बहती है, प्राण जाए पर वचन न जाए, मोहन जोदाड़ो, अशोका द मिसिंग भी। ये एरिया बंदर कुदनी कहलाता है। ये खूबसूरत भेड़ा घाट नर्मदा नदी पर बसा है। अब हम नाव यात्रा का मजा ले रहे हैं। राज कपूर साहब की शादी जबलपुर में प्रेमनाथ जी की बहन कृष्णा जी से 1946 में हुई थी। 1947 को उनको पहला लड़का हुआ, उनका नाम है रणधीर कपूर। 1961 में बनी फिल्म जिस देश में गंगा बहती है का एक पूरा गाना इसी जगह फिल्माया गया है। देखिए ये खूबसूरत मंजर। और जबलपुर का सबसे बेहतरीन एरिया है सदर, यानी कि कैंट एरिया। पीछे दिख रहा है ये है गन चौक, यानी कि ये गन रखी हुई है और ये हवाई जहाज को मारक क्षमता, हवाई जहाज को गिराने वाली ये वो है। इसके बाद एक गन और दिखाएंगे आपको, तोप, जो तोप रहती है छोटी और उधर बड़ी। जी हम है शहीद स्मारक जबलपुर, शहीदों को प्रणाम करते हैं। ये वही धरती है जिन्होंने शहादत दी, और सैनिकों का ट्रेनिंग सेंटर भी है जबलपुर। लेकिन अभी आप देख लीजिए शहीद स्मारक, और इसके बाद हम आपको विजयंता टैंक दिखाएंगे। विजयंता टैंक यही टैंक है, विजयंता टैंक। इस समय हम युद्ध स्मारक पर हैं। एक जानकारी आपको हम और बताते हैं, स्नूकर जैसे खेल का आविष्कार जबलपुर में ही हुआ है, नर्मदा क्लब में। ये ब्रिटिश काल की बात है। ये सृजन चौक से होते हुए हम पेटेंट टैंक की तरफ जा रहे हैं जो अब्दुल हमीद साहब ने पाकिस्तान को परेशानी में डाला था। रोड यानी कि कैंट एरिया में हम शहीदों को प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं, सैल्यूट करते हैं, और उसके बाद जबलपुर शहर के जितने भी शहीद हुए हैं उनकी ये लिस्ट है। हमें इन पर गर्व है, वीरता के लिए सुसज्जित राष्ट्रीय अवार्ड पाने वाले जबलपुर नागरिक, इन सब का नाम। और अब इधर देखिए यहाँ रखी है वो तो जो अब्दुल हमीद साहब ने पाकिस्तान की दो उड़ाए थे जिससे, वो टैंक है यहाँ पर। तो टैंक थोड़ा सा दिखा। महावीर चक्र और परमवीर चक्र से सम्मानित शहीद मेजर अब्दुल हमीद साहब को समर्पित ये टैंक यहाँ रखा गया है। अपनी गन माउंटेन जीप से पाकिस्तानी सेना को खदेड़कर अमरीकी पैटर्न टैंक को अकेले ही ध्वस्त किया था शहीद अब्दुल हमीद साहब ने। हम उन्हें सलाम करते हैं। पहले हमें वहां तक जाने को मिलता था, लेकिन अब सुरक्षा के कारणों से हम वहां तक नहीं जा सकते, लेकिन आपको दिखा रहे हैं ये पैटर्न टैंक। यह है पचपेड़ी एरिया जबलपुर का, रानी दुर्गावती यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय। मैंने इसी यूनिवर्सिटी से पढ़ा है इसलिए याद आ गई, तो आपको बताने आ गया हूँ। डुमना एयरपोर्ट बहुत करीब है हवाई जहाज से, जब वहाँ उतर के आएंगे एयरपोर्ट से तो सबसे पहले यूनिवर्सिटी आपका वेलकम करेगी। देख लीजिए खूबसूरत यूनिवर्सिटी रानी दुर्गावती। रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जी, जहाँ से मैं पढ़ा हुआ हूँ वो आपको सीन दिख रहा है। ये यूनिवर्सिटी जबलपुर की फेमस यूनिवर्सिटी जी, दीदार कीजिए। चलिए ये स्टाफ से तो हमने मिली लिए, अब ऐसे कलाकार से आपको मिलवाते हैं जो हिंदुस्तान का पहला मिमिक्री आर्टिस्ट है। आप देखकर खुश हो जाएंगे। ये है हमारे के नाइकर दादा, पीछे परिवार दिख रहा है मेरा भी, इनका भी, इनका घर दिख रहा है माशाल्लाह। और क्या सोसाइटी में रहते हैं दादा, जंगल में मंगल है। इनको ढूंढते ढूंढते मंडला रोड में आ गए, वो मंडला रोड में आ गए तो फिर ढूंढ रहे, सब्जी वाला भी बता रहा है, अरे भाई क्या गजब, यही है यही है। वहाँ है रानी दुर्गावती जी का समाधि स्थल, आपको फिर डिटेल्स दिखाते आइए। जबलपुर की आन बान शान रानी दुर्गावती जी का जन्म दुर्गा अष्टमी के दिन हुआ था, इसी कारण इनका नाम रानी दुर्गावती रखा गया।
रानी दुर्गावती जी का संबंध चंदेल वंश से है, जिन्होंने खजुराहो के विश्व प्रसिद्ध मंदिर बनाए थे। ये वही जगह है जहां मुगलों से जंग के दौरान इन्हें 3 तीर लगे थे, मगर दुश्मनों के अधीन न होना पड़े इस वजह से अपने ही खंजर से अपने आप को खत्म कर लिया था। इस वीरांगना को हम सलाम करते हैं। ये रानी दुर्गावती जी का इतिहास अकबर के शासन काल से मिलता जुलता है, यानी कि उसी समय 1550 के आसपास का इतिहास है। वो बड़ी वीरांगना बहादुर थी ये, और इनके पास तोपखाने भी थे, लेकिन आखिरी में ऐसा कहा जाता है कि उनको बहुत सारे तीर लग गए थे और उन्हें लग रहा था कि अब मैं जिंदा नहीं बच पाऊंगी, तो किसी और के हाथ में ना जाऊं, तो अपनी कटार से ही उन्होंने वार करके अपना शरीर त्यागा था। ऐसी बहादुर रानी को सलाम करते हैं। जबलपुर आए तो समाधि स्थल और इनके किले जरूर देखें। अभी हम हैं बरगी डैम में। बरगी डैम में इतना पानी किसी दिन मालिक ना करे, लोग कहते हैं अगर टूट जाए तो जबलपुर बह जाए, मालिक ना करे। ये इससे खेती होती है, 5 जिलों में ये पानी जाता है, पूरे मध्य भारत का ये बहुत बड़ा डैम है। आइए खूबसूरत दिखाते हैं जबलपुर। ये बरगी बांध के ये गेट है जहाँ से अभी पानी नहीं छोड़ा गया है, बहुत कम पानी छोड़ा गया है, लेकिन जितना भी देखने लायक है मन खुश हो जाता है। बांध का हम दूसरा एरिया आपको बाद में दिखाते हैं, अभी केवल गेट दिखाते हैं। थैंक यू। जबलपुर की एक खूबी और आपको बताता हूँ। 3 नेशनल पार्क ने जबलपुर को घेरा हुआ है, कान्हा नेशनल पार्क, पैंच नेशनल पार्क और बांधवगढ़ नेशनल पार्क, जहां सफेद शेरों के दर्शन आप कर सकते हैं। जबलपुर बहुत विशाल है, हम एक बार में पूरा दिखा नहीं सकते, बाकी जबलपुर हम अगली बार दिखाएंगे।